जनपद बरेली के सिरौली में एक गरीब के आशियाने में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिससे घर में रखा हुआ घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दरअसल नगर सिरौली के मोहल्ला फरजंद नगर के रहने वाले अकील अहमद की झोपड़ी में शनिवार की बीती रात किसी ने आग लगा दी, जिससे घर में रखा हुआ घरेलू सामान जलकर राख हो गया और दो बकरियां भी आग में झुलस गईं। अकील अहमद का परिवार मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है। जहां परिवारजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों की सहायता से आग को बुझा दिया गया। रविवार की सुबह थाना सिरौली पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की है, हालांकि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं उप निरीक्षक विवेक चौधरी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापतुल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामू कटेरिया। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के मोहल्ला फरजंद नगर में। जैसा कि आज हम यहां घर पर पहुंचे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको एक झोपड़ी टाइप की दिखाई दे रही होगी। बीती रात यहां पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा झोपड़ी में आग लगा दी जाती है और आग लगाने से घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाता है। और वहीं बताया गया है कि यहां पर जो इनके बकरी भी पाल रहे थे वो भी जले हैं, उनको भी कान में मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है। और मेरे साथ यहाँ परिवार के लोग हैं, चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद यामीन। कहाँ रहते हैं? सिरौली। अच्छा, ये बताइए आपकी झोपड़ी में कैसे आग लगी है? जे रात के 4 बजे हम उठे तो आग लग हुई थी। 4 बजे आपको कैसे पता चला कि आग लग गई है? हम जब सो रहे थे तो भाभी हमारी लेट हुई थी, तो विंडो जाल खुलवा था जैसे, तो उसमें से लपट देखी तो उन्होंने चीख पुकार करी है तो सब उठकाए तो बजाइए उसको, तो ये सब बकरे भी और सामान भी है उसमें सब जल गए। जी क्या क्या सामान आपका जला है? हाँ, सामान तो बहुत सारा था, बिस्तर है, लिया बिस्तरे है, कोई ना कोई लेट भी जाता था उसके अंदर, बच्चा हाँ उनके साथ में लेट जाता था। आज वो जो कोई लेट हुआ नहीं था, नहीं वो भी जल जाता साथ में, इसी में लेटते हैं। हाँ, तो लगभग कितना सामान आपका जला है? क्या क्या सामान था? सामान तो काफी था इसमें, सामान तो काफी था, बकरा बकरी भी जले हुए, नाज भी रखा रहता है इनका, गल्ला जैसे दाना इनका, गेहूँ वगैरह है, मक्का है, ये सब चीज रखी रहती है इसमें, इनके चुकाने के लिए सभी जल गए। क्या नाम है? मेरा नाम जुबैदा। कैसे आग लगी है? इसमें आग ऐसे लगी, घर में से हम उन्होंने देखी कि बाहर तो इसमें आग ही जल रही थी, 4 बजे का टाइम था और सब इसमें मैं भी घुस गई आग में, तो मेरे भी सब बकरी सब जल गए इसमें, और सब जल गए, सब पूरे पैर भी जल गए, देखो सब मेरे जल गए। आपने आग को कैसे बुझाया? आग को के बुझाया, जब सब हमारा परिवार उठा तो सब एकदम भागा बजाने के लिए, पानी से बुझाया, जल ही रही थी सब आग ही। तो क्या लगता है किसने आग लगाई? अब गई तो पता नहीं चला हमारे घर में किसने आग लगाई, देखा तो ही नहीं हमने, क्या मालूम कैसे लगी। हाँ, पता नहीं भैया कैसे लगाई, हमने देखा नहीं, हमारा तो सब परिवार को आज ही थोड़ी पहले से ही रहा, पहली बार ही हुआ। अच्छा, कोई अधिकारी यहाँ पर जांच करने यहाँ पहुँचा है? नहीं, कोई आया नहीं अभी तक, नहीं। तो इस संबंध में आपने किसी अधिकारी से शिकायत की है? शिकायत किस करी? मेंबर साहब से करी हमने, जो हमारे यहाँ के, हाँ जो हमारे यहाँ के मेंबर है उनको ही दिखाया, उन्होंने ही किया। अब ये हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे जानवर 50-60 हज़ार के सब जल गए, सारा नुकसान हो गया, हमारा सारा राशन हमारा जल गया, सब हमारे सब नुकसान ही है इसमें हैं। और इसमें ही हम लेटे, अगर हम होते हम घुसे आग में जानवर ले आए तो कुछ जली गए सभी, हम भी जल गए। और देखो ना, सब जले नहीं पड़े मेरे पैर, हाँ बहुत नुकसान है हमारा तो, और सभी हो गए हमारे जानवर, देखो 50-60, देखो क्या हाल है इनका, जानवरों का सभी जला पड़े। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक गरीब परिवार है और इस झोपड़ी में रहते थे, उसमें बताया जा रहा कि अनाज घरेलू सामान भी यहाँ पर रखा हुआ था। बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस झोपड़ी में आग लगा दी जाती, जिससे घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाता है। एक तरफ ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड में बहुत जो जीवन है काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है, जिससे दिक्कत ये हो जाती है कि जो यहाँ के परिवार है, परिवार एक मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है और बीती रात ही यहाँ पर आग लगा दी जाती है। और आग लगने से, मेरे पीछे देखेंगे, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो यहाँ का सामान जो जला हुआ है उनको जूम करके ज़रा दिखाने का प्रयास करें,
यहाँ पर आसपास के लोग भी एकत्र हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अभी स्थानीय पुलिस भी पहुँच रही है मौके पर, यहाँ पर पहुँचने वाली है स्थानीय पुलिस निरंतर। आपको ग्राउंड जीरो पर पहुँचकर मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ मोहल्ला फरजंद नगर से, जहाँ एक गरीब के आशियाने में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी जाती है और आग लगने से घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाता है। निरंतर ग्राउंड जीरो पर पहुँचकर इसी तरह से आपको मैं कवरेज दिखाता रहूँगा। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ रामगढ़।